दिस इज जस्ट कह सकते हैं रबड़ी राइड। ओहो हो टाइगर रिजर्व। हाँ कैमरा है ना। कौन से प्राणी दिखते इधर? ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और इसके पहले देखा भी नहीं था इधर कुछ। अगर आपको यहाँ पे आना है तो आई एम सॉरी मैंने कुछ नहीं किया। फायरिंग एवढं नाही आला। सायलेन्सर स्टॉकवालाच आहे ते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी प्रॉब्लम हुआ एंड मेरा जो ऑडियो है इस क्लिप में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। सो बेसिकली अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ और अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी मैं ऐसे पॉइंट पे खड़ा हूँ कि लेफ्ट साइड में अगर मैं जाऊँगा तो चिखलदारा पहुँचूंगा और राइट साइड में अगर जाऊँगा तो सेमाडो पहुँचूंगा। तो बेसिकली मैं जाने वाला हूँ सेमाडो। इसके पहले भी मैं कार से गया था लेकिन फर्स्ट टाइम अपने बाइक से जा रहा हूँ, निकलता हूँ मैं और बाकी की कहानी ओरिजिनल ऑडियो के साथ। सो इट्स 3:00 राइट नाउ। सो मुझे यहाँ से लगने वाला है 1 घंटा क्योंकि रोड जो है वो ठीक ठाक है। परतवाड़ा से ये ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स है। मज़ा आने वाला है। फर्स्ट टाइम अपनी बाइक सेमाडो जाने वाली है और चिखलदारा का प्लान था मेरा लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ता है और बहुत बार हो गया। दिस इज़ जस्ट कह सकते हैं रबड़ी राइड क्योंकि वहाँ पे रबड़ी बहुत फेमस है। वन उपजन तपासणी नाका बिहाली जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक मराठी शाळा। ये रोड से आप धारणी भी जा सकते हो और बरानपुर भी जा सकते हो क्योंकि ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं एमपी बॉर्डर के पास में है। तो यहाँ से एसटी बसेस भी देखे मैंने दो, जो एक तो ये साइड में जा रही थी धारणी साइड और वो साइड से जब आई तो नागपुर की थी। मंकीज से बच के रहे। ओके, यही सारा व्यू अभी आगे भी देखने मिलेगा आपने को। मंकीज मुझे अब भी मालूम पड़ रहा है कि 1 घंटा क्यों दिखा रहा है इवन बाइक रह के भी, क्योंकि रास्ते 1 नंबर है। सेमाडो इज मोर 16 किलोमीटर्स। 16 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा क्या मालूम। सो इट्स 3:56 राइट नाउ और अभी भी सेमाडो 5 किलोमीटर है। ओहो हो टाइगर रिजर्व, यहाँ पे फोटो बनता है एक। ये पूरा प्लांटेशन है, प्रॉपर एक लाइन में सारे ट्रीज प्लांट किए हैं। रास्तों की काफ़ी वाट लगी हुई है यहाँ पे। कार में जब आप आते हो ना कुछ फील नहीं होता इतना, लेकिन बाइक होने के कारण उड़ रहा हूँ मैं बाइक पे। और ये है गेस्ट हाउस, आई गेस PWD विश्राम गृह। हाँ PWD का गेस्ट हाउस है ये। पहुंच गई। कहाँ पे ली जाए रबड़ी? रबड़ी 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 है क्या काका? है ना। हाँ अभी तो एक तो दो पहले। हाँ कैमरा है ना। मैं जहाँ जहाँ पे जाता हूँ उधर का डाल देता हूँ यूट्यूब पे। सो यहाँ पे आपको हर जगह पे ये स्टॉल्स दिख जाएंगे और
भी है वो काफ़ी फेमस है, इसके लिए मैं स्पेशली यहाँ पे आया हूँ। अभी राइड भी हो जाती है और रबड़ी भी खाने मिलती है। चाचा एक बताओ, यहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है फोन को, तो फिर यहाँ पे कांटेक्ट करने का कैसे करना? मुश्किल है वो, जब लोग लाइन आते थे जब लोग। अच्छा भाई, इधर टावर है ही नहीं। हाँ टावर नहीं है इधर कोई भी। टावर है, कौन सा है वो? BSNL उसका चलता है, बाकी नहीं चलेगा ना? बाकी नहीं चलेगा, उसके बाद लाइन के बराबर। बाप रे, मतलब लाइन का कितना रहता है? कभी कभी रहता है, कभी कभी रहती है। देखो अभी देखो लाइन है, जो खम्भों की लाइन दे पर वो पान ठेले में देखो कितना वोल्टेज का। हाँ हाँ भाई, ऐसा हाल है। अगर आने का रहेगा रहने तो कहाँ पे रह सकते हैं? संकुल के। संकुल है आगे। और वो कोलकास किधर है? कोलकास जाते 16 किलोमीटर। अच्छा, उधर क्या क्या है देखने के लिए कुछ? हाँ वही पर नदी है ना। अच्छा, वो बांबू का भी है ना कुछ? तो बांबू का, बांबू उधर लवा दे। वो कितना लंबा? यहाँ से 30-35 किलोमीटर। अगर परतवाड़ा से धारणी भी जाना है तो यही रास्ता है कि दूसरा भी है कोई? एक ही है। और उधर क्या है धारणी में देखने के लिए? कुछ अच्छा, ये सब सामान फिर आप एक खट्टा लाते हो नीचे से कि आता है सामान? कुछ आता, कुछ लाना पड़ता। अच्छा, और मतलब आपके लिए फिर पास वाला कौन सा पड़ता है गाँव? पास धारणी भी पड़ता है, पास वाला भी, दोनों। अच्छा, तो एक के साथ लेके आते हो फिर आप लोग? एक हफ्ते का लगता है। अच्छा, कौन से प्राणी दिखते इधर? प्राणी तो वो है जंगली मुर्गा है। अच्छा, चीता है। हाँ रीछ है। अच्छा बाप, और रात को निकलते क्या फिर बाहर की? नहीं नहीं, नहीं। अभी का क्या फिलहाल जंगल में पूरा पानी पानी है ना। हाँ हाँ चारों तरफ। हाँ तो इधर आने का भी नहीं। अच्छा, वो मिलेगा आपको दुखा लेके। हाँ हाँ आपने। अच्छा चलो फिर, धन्यवाद। ये देखो यहाँ पे भी है, सब्जियाँ वगैरह आपको मिल जाएंगी, लाल मिर्च, लहसुन, मसाले, चिवड़ा। ओहो हो, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और इसके पहले देखा भी नहीं था इधर कुछ। बाप रे, काफ़ी अच्छी बात है ये तो। मैं जब आ रहा था तभी मुझे एक मन में डर था कि लेपर्ड आ जाएगा, बियर आ जाएगा बीच में कभी, तो फिर क्या करेंगे। जब अंकल ने ये चीज़ बोली कि अभी कुछ नहीं है तो थोड़ा अभी अच्छा लग रहा है, डर नहीं लग रहा है। तो अभी मैं आपको मेड़घाट की इन्फॉर्मेशन देता हूँ थोड़ी, क्योंकि सेमाडौ, चिखलदारा, हरिसल, शाहनूर, ये सब जो भी एरियाज़ है यहाँ पे, सेंटर्स कह सकते हैं एरियाज़ है या टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, तो ये सारे मेड़घाट के अंडर आते हैं। 1967 में मेड़घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टेब्लिश हुई थी और 1974 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। यहाँ से आप अगर लेफ्ट जाते हैं तो आपको चिखलदारा जाने मिलेगा, एंड यहाँ से अगर आप सीधा जाते हैं तो आप धारणी जाएंगे। सो सेमाडौ इज़ बेसिकली लोकेटेड नियर MP एंड महाराष्ट्र बॉर्डर। सो बेसिकली मेड़घाट में 5 मेजर रिवर्स आते हैं। सो फर्स्ट तो यही है कि सिपना, खंडू, खापरा, गड़गा एंड डोलर। सो ये सारे आगे जाके ताप्ती रिवर से कनेक्ट होते हैं। सो ओवरऑल दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। अगर आपको यहाँ पे आना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मानसून में आइए, जुलाई या फिर अगस्त में आइए, क्योंकि यहाँ पे वेदर एकदम मस्त रहता है, हर जगह पे फॉग रहता है और पूरा हरियाली रहता है, इवन ये सब पानी से भरा हुआ रहता है।
सेमाडो या फिर चिखलदारा आना है तो आपको नियरेस्ट स्टेशन अमरावती रहेगा, क्योंकि वहाँ से फिर आप कोई भी टैक्सी बुक करके यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो बस की फ्रीक्वेंसीज है लाइक सेमाडो में तो चिखलदारा से भी कम है, क्योंकि सेमाडो में ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, चिखलदारा में पॉइंट्स है बहुत सारे देखने के लिए, इसके लिए फिर बस की फ्रीक्वेंसी जो है वो चिखलदारा में ज़्यादा है। और अगर आप सेमाडो आते हो और आपको स्टे करना है तो यहाँ से ही सीधा जाएंगे तो कोलकास करके एक जगह है, वहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हो। एंड अगर आपको यहाँ से चिखलदारा जाना है तो जैसे ही आप सिपना नदी से आएंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में रोड जाता है चिखलदारा के लिए, लेकिन वहाँ पे भी जाने के लिए ऑलमोस्ट एक घंटा लगता है, लेकिन 6 बजे के अंदर आप वहाँ पे अगर पहुँचते हैं तो बेटर है, क्योंकि वहाँ पे भी फिर सिक्योरिटी वाइज आई गेस गेट बंद कर देते हैं वो लोग। सो अभी 5:45 हो रहा है, 15 मिनट और मैं यहाँ पर रुकूँगा उस ब्रिज पर, फोटोज़ वगैरह मैं खींचूँगा और उसके बाद फिर निकलूँगा मैं, क्योंकि अंधेरे से पहले घर पर पहुँचना है। चलो 5:15 बज रहे हैं अभी और 6:15 तक मोस्टली मैं पर थोड़ा पहुँच जाऊँगा, होपफुली, मोस्टली नहीं होपफुली। अभी सनसेट होने तक मैं रुक सकता था, लेकिन कैसा है अगर मैं चिखलदारा में रहता तो ज़रूर रुकता, यहाँ पे रुकना मुझे थोड़ा डर लग रहा है, इसके लिए फिर मैं निकल रहा हूँ। डर यानी कि वाइल्ड एनिमल्स, बाकी कुछ नहीं। वाघ हे स्वस्थ पर्यावरणाचे प्रतीक आहे, ओके धन्यवाद, लवकर परत या, यस जरूर आएंगे, थैंक्स, विजिट अगेन, ओके, आई एम सॉरी मैंने कुछ नहीं किया। मेरे लेफ्ट साइड में सनसेट हो रहा है अभी, ओहो, यहाँ पे रुकना मतलब दिखेगा तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली, लेकिन थोड़ा सा देख लो ये, ये टर्न्स पे ये, ओ बाबा पूरा पीछे का पार्ट उसका टेढ़ा हो जाता है। वाइजर पे इतने सारे कीड़े मरे पड़े हैं और उनको निकालने के बाद जो खून है या फिर जो लिक्विड है वो पूरा हेलमेट के वाइजर पे अभी फैल रहा है धीरे धीरे। सो टाइम टू एंड दिस वीडियो गाइस, शॉर्ट एंड सिंपल राइड का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक कीजिए, नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट राइड में, टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।